दोस्तों नमस्कार। बड़े दुख की बात है। दुख की बात ये नहीं है कि कोरोना से हम लड़ रहे हैं, वो तो लड़ेंगे और जीतेंगे भी। दुख की बात यह है कि बहुत से लोग हम में से ऐसे हैं जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर पा रहे हैं, वो बाहर निकल जा रहे हैं। उस कड़ी को तोड़ने का जो हमारा, हमारे देश का, हमारे प्रशासन का, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो प्रयास है, उसमें हमें उनका हाथ बटाना है, साथ देना है। हम 130 करोड़ की आबादी वाले इस देश में रहते हैं दोस्तों, और हमें अपना ही नहीं अपनों का भी ख्याल रखना है, ताकि हम इस जंग से लड़ सकें और कोरोना को यहाँ से भगा सकें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप घर में ही रहें, कि वही एक ऐसा एकमात्र रामबाण उपाय है जिससे कि हम कोरोना को भगा सकते हैं और उसे हरा सकते हैं। दोस्तों आज हमारे देश में सोशल डिस्टेंसिंग और अपने घर के अंदर रहना, इसकी पूरे विश्व में प्रशंसा की जा रही है, और उस प्रशंसा के भागीदार आप बन सकते हैं। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने घर के अंदर ही रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है जब तक कि बहुत जरूरी ना हो। यदि आप निकलते भी हैं तो आपको किसी भी आदमी से कम एक मीटर का डिस्टेंस बना करके रखना है, ताकि वायरस से आप संक्रमित ना हो और वो फैले ना एक दूसरे इंसान में, क्योंकि ये इंसान से इंसान में फैलता है। ये जो तरीका है सोशल डिस्टेंस का और घर में रहने का, बहुत से लोग ऐसे तोड़ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। मेरी उनसे फिर एक बार हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वे ऐसा ना करें, बार बार मैं कह रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि यदि वो इसे गंभीरता से नहीं लेंगे तो ये हमारी समस्या और भी गंभीर हो सकती है। वो कैसे? देखिए, कोरोना वायरस है, ये COVID-19 है, और ये ठीक वैसा ही है जैसा कि रक्त बीज, आपने सुना होगा रक्त बीज एक राक्षस था, उसके खून की जितनी बूंदें नीचे गिरा करती थी वो उतने राक्षस पैदा होते थे। तो अभी हम इस समस्या से कैसे जूझ रहे हैं कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाई है, बना करके रखी है, और इसकी कड़ी को हमें तोड़ना है। यदि इसकी कड़ी को नहीं तोड़ेंगे तो रक्त बीज जैसे राक्षस का रूप लेकर के हमारे पूरे देश में महामारी फैला देगा, क्योंकि तीसरी स्टेज होगी जो दोस्तों भगवान ना करे, खुदा ना करे, वो बहुत खतरनाक होगी, वो आनी ही नहीं चाहिए। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है, अपने घर में रहना है, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। COVID-19 को COVID-2.0 में तब्दील ना होने दें। मैं आपको बताता हूँ, COVID-19 एक ऐसा वायरस है जो खतरनाक जरूर है और ये जानलेवा भी हो सकता है, मगर ये उतना खतरनाक नहीं है तब जबकि आप अपने घर में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखें। मगर ऐसा नहीं हुआ और ये वायरस बहुत ज्यादा फैल गया, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ गया, स्प्रेड हो गया, चारों तरफ फैल गया, हवा में, जानवरों में, इंसानों में, तो क्या होगा? ये अपने आप को इम्प्रूव कर लेगा, और अपने आप को इम्प्रूव करके ये COVID-2.0 में तब्दील हो जाएगा, जो कि ज्यादा खतरनाक है COVID-19 से, वो डेवलप है। अभी COVID-19 के आप बहुत से ऐसे केस देख रहे होंगे, तो मरीज जो है वो ठीक होकर के वापस आ रहे हैं, क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो जितना पावरफुल होगा उतना ज्यादा आपके ठीक हो जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। मगर दोस्तों मैं आपको फिर आगाह कर रहा हूं कि COVID-2.0 ये COVID-19 का एक शक्तिशाली रूप है, जो अपने आप को इम्प्रूव करने के बाद जो तीसरी स्टेज भगवान न करे आ सकती है, उसमें यही वायरस जो है बहुत ही खतरनाक रूप से महामारी पैदा कर देगा। तो दोस्तों मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, COVID-19 को COVID-19 ही रहने दें, और बल्कि इसे खत्म करना है हमें, इसे आगे नहीं बढ़ाना है, इसे COVID-2.0 नहीं करना है। उसका एक ही तरीका है, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ कि आप घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रहें, बस ये COVID-19 खत्म हो जाएगा, जड़ से खत्म हो जाएगा। खुशी की बात है कि हमारे भारत देश में अन्य देशों की तुलना में इसकी संख्या बहुत ही कम है, इसके संक्रमण का जो प्रभाव है धीरे धीरे कम भी होता चला जा रहा है। वजह, आप सब लोग साथ हैं, हम सब मिलकर के इसे लड़ेंगे और इसे हराएंगे। दोस्तों ऐसे ही वीडियो मैं बनाता रहूंगा जो आपके काम आएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा, और दोस्तों मेरे नए चैनल टेक्निकल बाबा को जरूर देखिए, जो कि स्पेशली मैंने कोरोना से ही संबंधित वीडियो बनाने के लिए बनाया है, उसे भी आप देखिए, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगली वीडियो में आपसे मैं फिर कोई नई जानकारी लेकर के मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।